हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोपहर तक दो प्रत्याशियों ने किए नामांकन। सुमेरपुर विधानसभा चुनाव 2018 को लेकर पांचवें दिन दो और नामांकन किए गए, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी अनूप सिंह ने सुमेरपुर शहर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला और उसके बाद मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पेश किया। वहीं कुछ समय बाद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जब्बर सिंह भूमिया ने भी शहर में जुलूस निकालने के बाद अपना नामांकन भरा। निर्दलीय प्रत्याशी अनूप सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जब्बर सिंह भूमिया ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का है। आज देश राजस्थान के हॉस्पिटल की कितनी दुर्गति हो रही है, स्कूलों की कितनी दुर्गति हो रही है। आज हमारे यहाँ के देश के लोग, हमारे सुमेरपुर के लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में की जाते हैं। हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है उनकी दुर्दशा कैसे हो रही है। मैं सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन करने के उद्देश्य से इस मैदान में उतरा हूँ और मेरा उद्देश्य। मैं अनूप सिंह राठौड़, निवासी सुमेरपुर, आज विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र पेश करने आया हूं, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद सुमेरपुर का स्थानीय किसी भी नागरिक को आज तक यहां से उम्मीदवारी नहीं दी है। सुमेरपुर की 36 कौम और विशेषकर मेरे भी समाज के भूमिया राजपूत, राजपूत रावणा राजपूत और राजपूत समाज की जो दोनों पार्टियों ने हम लोगों की जो मताधिकार और हमारे मतों का जो गणना है उसके अनुसार हम लोगों को प्रतिनिधित्व ने दिया। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।